नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पोखरा एयरपोर्ट जो कि नेपाल में मौजूद है और नेपाल के फेमस एयरपोर्टों में से एक माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पोखरा एयरपोर्ट आप कैसे जाएंगे और पोखरा एयरपोर्ट में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से यहाँ जो एयरलाइंस होते हैं वो अनेक जगह पे जाती हैं और यहाँ पे कितने दुर्घटना स्थल पहले भी हो चुका है, इन सभी चीज़ों पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये पोखरा एयरपोर्ट का विहंगम दृश्य है जो कि कुछ इस तरीके से बनाया गया, जहाँ पे रनवे का जो है बनाया गया, उसके साथ साथ बाहर में आप पार्किंग करके रख सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह। और ये है एयरपोर्ट जहाँ से आप इन करेंगे, यहाँ से इन करेंगे तो अंदर जाएंगे तो अलग अलग रनवे बना हुआ है। जिसमें से अलग अलग एयरलाइंस जो है वो यहाँ से उड़ान भरती हैं। आपको बता दें कि पोखरा एयरपोर्ट का जो कोड है वो है PKR। जब भी आप सर्च करेंगे PKR तो आपका इस तरीके से आ जाएगा पोखरा एयरपोर्ट का पूरी तरीके से, जहाँ पे घरेलू हवाई अड्डा जो पोखरा का है नेपाल में, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से भी ट्रैवल करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ से कुछ जो एयरलाइंस है वो चलती हैं, जैसे नेपाल एयरलाइंस, श्री एयरलाइंस, सिमरिक एयरलाइंस, सीता एयर और स्मिट एयर और तारा एयर और येती एयरलाइंस। तारा एयर जो कि आज की घटना घटी है कि तारा एयर्स जो है वो लापता है, 22 उसमें सवार थे जो ट्रैवल हैं वो, जिसमें से 4 भारतीय भी थे। तो अभी हम आपको आगे बताते हैं कि इसमें पहले भी यहाँ पे घटना घट चुकी है। आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं, रुक सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ पे कुछ दुकानें हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन अंदर आपको सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी और अलग अलग जो फ्लाइटें होते हैं वो यहाँ पे चलती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसमें से भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ से भर्ती है उड़ाने और यहाँ से काठमांडू जा सकते हैं काठमांडू के लिए, और काठमांडू से फिर आप दिल्ली वगैरह के लिए यहाँ से फ्लाइट ले सकते हैं। यहाँ पे आप दुर्घटना की बात करें तो हम आपको बता दें कि 6 नवंबर 1997 को एक जो है एयरलाइन जो कि काठमांडू से उड़ान भरने के बाद एक हाइड्रोलिक प्रणाली का सामना करना पड़ा और पोखरा हवाई अड्डे पर उतारने के बाद विफलता और रनवे से भाग गया। जब भाग गया तो पायलट ने 100 मीटर 330 फीट के बाद विमान को वापस रनवे पर चला दिया, लेकिन यह रैंप पे चला गया और रनवे जो नेपाल एयरलाइंस के एक और जो एयरलाइंस जो फ्लाइट था जो वो रखा हुआ था पार्क में, उससे टक्कर लग गई, जिसमें से उस फ्लाइट में 44 यात्रियाँ और 4 चालक भी उसमें सवार था। तो इस तरीके से घटना पहले भी घट चुकी, एक 22 नवंबर 2002 को इसी तरीके से घटना घटी थी, जिसमें से पहाड़ी में जो है वो दुर्घटना स्थल हो गया था और जिसमें से 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद पूरा बादल छा गया था, तीनों चालक दल और जो 15 यात्री थे वो मर गए थे 22 अगस्त 2002 को। फिर 16 फरवरी 2014 को नेपाल एयरलाइंस की उड़ान 183 देश के सुदूर पश्चिम में जुमला के लिए एक उड़ान, पोखरा के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस समय जो है वो भी वही वजह थी कि खराब मौसम में दुर्घटना घटी थी और जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई थी। और आज भी जो है वो तारा एयरलाइंस जो कि सुबह से लापता है, यहाँ से उड़ान भरने के बाद संपर्क में नहीं आ रहा, लेकिन कहाँ गया अभी तक पता नहीं चला, उसका भी खोजबीन लगातार जारी है। तो ये है यहाँ का जानकारी जो हम आपको दिखा रहे थे पोखरा एयरपोर्ट का। जब भी आप जाते हैं यहाँ पे तो यहाँ से फिर आप अनेक जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ से जो है अन्नपूर्णा देवी या इन सभी जगह पे यहाँ से जा सकते हैं। तो कुछ फ्लाइटें जो है बुद्धा एयर या फिर तारा एयरलाइंस, इन सभी एयरलाइंस जो है यहाँ से काठमांडू के लिए उड़ान भरती हैं और लगातार चलती हैं, तो उसमें जो है 20-25 सवार होते हैं और फिर यहाँ पे आपका लगेज वगैरह सब कुछ रखा जाता है, देन फिर आप लगेज वगैरह यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरीके से जैसे फ्लाइट में होता है उस तरीके से। तो काफ़ी बड़े एरिया, काफ़ी बड़े स्पेस में बनाया गया है पोखरा एयरपोर्ट को और काफ़ी सारी जो है चीज़ें यहाँ पे रखा गया है, सारी सुविधाएं रहित है और सभी चीज़ यहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए, पहले ही आपको टिकट कराना पड़ेगा और जो फॉरेन वाले या जो भी लोग घूमने के लिए जाते हैं वो काठमांडू जाते हैं और काठमांडू के बाद फिर वो इस जगह पे जाते हैं। तो पूरी तरीके से जो नेपाल है वो पहाड़ी इलाका में है, चूँकि काफ़ी रनवे जो है उसका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ख़तरनाक है और पहाड़ी से होते हुए जाता है, तो जब भी यहाँ पर ख़राब मौसम होता है तो ऐसी कभी कभी ऐसी जो है दुर्घटना होने की चांसेस होती है, लेकिन हमेशा यहाँ पे भी केयरफुल जो हैं वो रहते हैं लोग। तो ये है यहाँ का इन्फॉर्मेशन,
पोखरा एयरपोर्ट का, जब भी आप जाते हैं कैब वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो यहाँ से आपको कैब मिल जाएगा, जो कि कैब आपको अनेक जगह पर छोड़ देगी। इसके साथ साथ यहाँ से आप अनेक जगह पर जा भी सकते हैं। तो इस तरीके से है, फ्लाइट का टाइमिंग जो है सुबह शाम दोपहर है। जैसे आपको बुकिंग कराना है उस तरीके से आप करा सकते हैं बुकिंग, और फिर यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये था पोखरा एयरपोर्ट का जानकारी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आशा है कि जो अभी 22 लोग जो और तारा एयरलाइंस जो गायब हुआ है वो जल्द से जल्द मिल जाए, और कोई ऐसा दुर्घटना ना घटे। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, और जल्द से जल्द जो सारे लोग हैं वो सकुशल घर वापसी हो जाए उन लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो जो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान